कि जी ये खेल है, इसमें हार जीत चलती रहती है। और मैं एक उस पे टीवी पे बैठा था, तो अभी मैंने वहाँ से ये सुना कि जी विराट कोहली की जो उनकी बेटी है उसके लिए थ्रेट्स आ रहे हैं, ये वो। भाई ये खेल है, हम सारे जो उनसे प्लेयर्स हैं कि जी ठीक है, कुछ इंडिया के कुछ पाकिस्तान है, लेकिन हम सारी एक कम्युनिटी हैं, हम एक फैमिली हैं। तो इस तरह की थ्रेट है ना, किसी को भी। आप विराट कोहली खेल रहा था, आपको उसका खेल पसंद नहीं आया, कैप्टनसी पसंद नहीं आई, आप उसको ज़रूर आप उस पर कह सकते हैं, लेकिन जो उसकी फैमिली है, तो फैमिली पे मेरे नहीं ख्याल में कि जी किसी को जाना चाहिए। थोड़े दिन पहले यही वाली चीज़ सेमी पे भी हुई थी। भाई आप खेल है, खेल के हिस्से में कभी आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, कभी बुरी परफॉर्मेंस देते हो, कभी जीतते हो, कभी हारते हो, लेकिन इसको यहीं तक रखें, ठीक है ना। इस खेल को खेल तक रहने दें, इसको आगे ना लेके जाए। ये वाली चीज़ आज सुन के मुझे ना बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो बाकी जहाँ तक खेल है, आपको नहीं पसंद आई कि जी इंडिया की टीम की सिलेक्शन सही नहीं थी, उनकी बॉलिंग चेंजिंग सही नहीं थी, बैटिंग सही नहीं थी, ये आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ये वाली बात ज़रूर करें आप, लेकिन उससे आगे ना जाएं, इस चीज़ से आगे, ठीक है ना। ठीक है, सारों को बहुत अफसोस हुआ होगा कि जी इंडिया का अब सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस बहुत कम है, ठीक है। तो ये मेरा मतलब है, आप 8 से 10 टीमें आई हैं, 12 टीमें आई हैं, तो भाई 4 ने पहुंचना, बाकी ने 12 भी होना है। तो ये खेल है, अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा यही है कि जी हार को भी अच्छे तरीके से बर्दाश्त किया जाए। अगर हम खुशी को अच्छे तरीके से, जीत को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो हार को भी अच्छे तरीके से बर्दाश्त करना आना चाहिए। ये स्पोर्ट्समैनशिप है।